पटना हाईकोर्ट ने सहारा समूह के सुप्रीमो सुब्रत राय को तलब किया है। हाईकोर्ट ने सुब्रत राय को 11 मई को पटना हाईकोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सहारा को आज तक का वक्त दिया था। कोर्ट ने पूछा था कि कंपनी यह बताए कि जनता का पैसा कब तक लौटाएगी। दरअसल सहारा कंपनी ने विभिन्न स्कीमों में हजारों उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था और अवधि पूरे होने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए गए थे। इस मामले को लेकर 2000 से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। निवेशक कई सालों से अपने पैसे फंसने के कारण परेशान हैं और कोर्ट से लेकर सहारा के दफ्तर तक के चक्कर लगा रहे हैं। इस कंपनी के अलग अलग स्कीमों में लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हैं। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि सहारा ग्रुप 27 अप्रैल तक बताए कि वो लोगों के पैसे कब तक और कैसे चुकाएगी। कोर्ट ने इसकी पूरी जानकारी देने का आदेश दिया था। वहीं इसकी जानकारी नहीं दिए जाने और सहारा समूह के वकील की दलील से असंतुष्ट होने के बाद पटना हाईकोर्ट ने सहारा समूह के ओनर सुब्रत राय को 11 मई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। देसवा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।